हेलो दोस्त, केपी दिवारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार है, ये क्या चीज़ है। तो हाँ जी दोस्त, देखिए ये बकला है, इसको लोग बकला कहते हैं, कहीं कहीं बाकला भी कहते हैं। देखिए बालू और बाकला की सब्जी, चलिए हम बनाते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी आती है, जिसको जिसको पसंद आती है तो बनाइए और खाइए। देखिए हमने प्याज काट लिया है, मिर्ची काट लिया है, लहसुन काट लिया, अदरक कूट लिया है, धनिया टमाटो सब हमने काट लिया है। अब चलिए हम बनाते हैं। देखिए हमने कढ़ाई को इस तरह से रख दिए हैं चूल्हे पर, देखिए गर्म हो रही है कढ़ाई जो है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, ये देखिए हमने इसमें तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे जो है। जब ये अच्छी तरह से तेल गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे, देखिए ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे मेथी, कुछ मेथी डालेंगे इसमें, देखिए थोड़ा मेथी डाल दिए हैं, मेथी गर्म हो गए थे जो है। इसके बाद हम इसमें जो सब काटे थे लहसुन प्याज अदरक मिर्चा सब इसमें डाल दिए हैं। अब देखिए इसको हम भून लिए हैं इसी तरह से, इसको हम भून ये अच्छे से, इसका देखिए कलर आ गया। अब इसमें हम डाल देंगे और सब्जी को डाल करके हमने इस तरह से चला दिया है, इसको उसी में सब मिला दिया है। और देखिए थोड़ी सी हींग डाल दे रहे हैं, क्योंकि हींग डालने से बहुत ही खुशबू आती है। थोड़ी देर इसको ढककर हम पकाएंगे इसी तरह से। फिर देखिए इसमें हम हल्दी और धनिया पाउडर थोड़ा सा बहुत कम ही मसाला का प्रयोग करके हम अच्छी सब्जी बनाते हैं। चलिए देखते हैं, हम जो है इसी तरह से इसको मिला लेते हैं अच्छे से, इसको मिला के फिर जो है इसको चलाते रहते हैं इसी तरह से। देखिए अच्छे से मिल भी गया है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, इसको मिलाने के बाद इसमें नमक डाल देंगे। और जो है नमक डालने के बाद जो है इसमें टमाटर जो काट के रखे हैं टमाटर, उसको टमाटर डाल देंगे। फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद इसको देखेंगे जो है जो इसमें आलू है वो पक गया है, तो इसको अच्छे से खूब मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखिए जो है जो हरी धनिया काट के रखे थे हमने इसको ऊपर से डाल दिया है। हरी धनिया डाल के जो अच्छे से इसको चला चला के इसमें मिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने हरी धनिया की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। देखिए हमने जो है मिक्स कर लिया है, धनिया को इसमें मिक्स कर लिया। देखिए खूब अच्छी टेस्टी सब्जी बन के तैयार है। तो हाँ जी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।